नमस्कार, न्यूज कनेक्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं जया। इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के चेहरे से पर्दा उठ चुका है। एक गुमनाम चेहरे पर मुख्यमंत्री का दाव लगा रही है बीजेपी। ये चेहरा है मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन के नाम पर भोपाल में हुई विधायक दल की बैठक में मोहर लग गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सरप्राइज देने के साथ ही बीजेपी ने दो दो डिप्टी सीएम का सरप्राइज भी दे दिया। पहले उप मुख्यमंत्री होंगे जगदीप देवड़ा तो दूसरे होंगे राजेंद्र शुक्ला। जगदीप देवड़ा मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ से विधायक हैं, जबकि राजेंद्र शुक्ला रीवा से विधायक बने हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनाए जाने पर विष्णुदेव साय ने ऐलान किया है कि वो हर चुनावी वादा पूरा करेंगे। पहला वादा जिसे पूरा किया जाएगा वो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख मकान की मंजूरी लेना। विष्णुदेव साय 13 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। रायगढ़ सीट से 4 बार के सांसद और पीएम मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री रह चुके साय ट्राइबल समुदाय से आते हैं। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद इंडिया अलायंस की अगली बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में होगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक बुलाई थी, लेकिन ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं के न आने के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया। भारत साउथ अफ्रीका T20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। ये मैच डरबन में था, लेकिन वहां काले बादल का डेरा था। बारिश शुरू हुई और फिर रुकी ही नहीं, टॉस तक नहीं हो सका। कुछ वक्त इंतजार करने के बाद मैच रद्द कर दिया गया। 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 दिसंबर को पोर्ट एलिजाबेथ में होगा।